I will not recommend this phone for gaming. पिछले 7 दिनों से इस फोन को मैं टेस्ट कर रहा हूँ एंड गेस व्हाट, फिर से एक सर्कुलर वॉच डिजाइन जो कैमरा मॉड्यूल में मिल रहा है। आई मीन मुझे लग रहा है कि अब तो ये स्टैंडर्ड कर देना चाहिए, बट वीवो V30e एक सुपर डिजाइन के साथ आता है विद स्लिम बट अ लिटिल हार्ड टू प्रेस वॉल्यूम बटन, 200% वॉल्यूम बूस्ट, फास्ट एंड एक्यूरेट फिंगरप्रिंट स्कैनर, 50 megapixel का सेल्फी कैमरा जो इंडोर्स एंड आउटडोर्स अच्छे फोटोज क्लिक करता है, 5 घंटे की गेमिंग भी की है इस फोन के ऊपर, तो बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। सो हाय गाइस, आई एम तेजस, यू वॉचिंग एलिमेंटेक, एंड इस वीडियो में we are going to talk about the Vivo V30e full in-depth review after 7 days of use. So without any further delay, let's get started. Design wise, इस फोन में आपको बैक साइड में एक डुअल टोन फिनिश मिलता है जिसमें ग्लॉसी पार्ट में ऐसे टाइनी स्क्वायर पैटर्न्स आपको देखने मिलते हैं जो काफी सुंदर लगते हैं, एंड उसी के साइड में मेटी सर्फेस आपको मिलता है जो एक थोड़ा सा शाइनी स्टारी डिजाइन के साथ आता है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स स्लिपरी, तो बिना कवर के यूज मत करना इस फोन को। इसका कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल है, एंड जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है हाउ मच आई लव सिमेट्री, बट एसिमेट्री होने के बाद भी फोन दिखने में काफी अच्छा लगता है, एंड ओवरऑल जो फाइनल लुक है फोन का इट्स वेरी गुड। वैसे डुअल टोन फिनिश काफी सब्जेक्टिव है, आपको शायद पसंद आए ना आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब मेरे यूज में जो बटन प्लेसमेंट था इट इज वेरी गुड, आई मीन इजीली अपने थंब से लॉक एंड अनलॉक कर सकता हूं, बट एक प्रॉब्लम जो मैंने फेस की इज द वॉल्यूम बटन्स, क्योंकि इसके बटन्स काफी पतले हैं, फोन को जब मैं नॉर्मली हाथ में पकड़ूंगा तो उसके बाद मैं इसे खींच के प्रेस करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत जा रही थी, एंड सेकंड इशू आई फेस, इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी नीचे प्लेस किया हुआ है जो मेरे हिसाब से मुंबई लोकल जैसे सिचुएशन में काफी रिस्की है, क्योंकि हर बार फोन को थोड़ा एडजस्ट करके फिंगरप्रिंट एक्सेस करना पड़ रहा था। वैसे फिंगरप्रिंट के स्पीड्स में प्रॉब्लम नहीं है, इट इज वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट, बाकी वीवो फोन्स की तरह ये फोन भी इन हैंड फील में बहुत ज्यादा एक्सेल करता है। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, वीवो काफी अच्छे इन हैंड फील वाले फोन बनाता है, एंड दैट इज काइंड ऑफ दैट यूएसपी, बट इट्स स्लिपरी, बिना कवर के मत यूज करना। और वीवो V30e के हैप्टिक्स मुझे थोड़े से एवरेज से ही लगे, जो हमें यूजुअली सारे फोन में देखने मिलते हैं इस प्राइस में, तो मेरा टाइपिंग एक्सपीरियंस भी इस फोन में एवरेज ही रहा है। टॉकिंग और डिस्प्ले, इसका डिस्प्ले बहुत ही क्रिस्प एंड कलरफुल है, एंड ऑब्वियसली इट्स एन एमोलेड पैनल, कॉन्ट्रास्ट पंची है, कलर्स उठ के दिखते हैं, आई मीन एवरीथिंग दैट यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ अ एमोलेड पैनल। साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, स्मूथनेस काफी अच्छी है, एंड मेरे यूज में बिल्कुल भी ऐसे कभी स्टटर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप्स नहीं मिले यूआई में भी, सो दैट्स अ गुड पॉइंट। मैंने यूट्यूब पर 4K वीडियोस प्ले किए हैं, 4K में HDR प्ले नहीं होता है, ये जो पैनल है वो HDR सपोर्ट नहीं करता है, बट 4K वीडियोस काफी स्मूथ चलते हैं एंड क्लैरिटी एकदम मस्त दिखती है। डिस्प्ले साइड से कर्व होता है, थोड़ा सा वाइडर व्यूइंग एंगल मिलता है, बट एज सच डिस्प्ले कर्व होने की एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी नहीं है, इससे सिर्फ फोन के जो बेजल्स है वो पतले हो जाते हैं और फोन साइड से थोड़ा पतला फील होता है, जिससे ओवरऑल एकदम स्लिम फील होता है हाथ में। बट नेटफ्लिक्स की बात करेंगे, नेटफ्लिक्स में HD स्ट्रीम कर सकते हो वाइडबैंड L1 की वजह से, और नेटफ्लिक्स में भी HDR सपोर्टेड नहीं है, तो वो ध्यान में रखना। अब वीडियो बनाते टाइम तो मुझे इसकी प्राइस पता नहीं है एक्जैक्टली क्या है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अगर 30,000 के अराउंड रहेगा तो काफी सही है। बस एक छोटा सा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है इसके सिंगल स्पीकर, आई मीन स्पीकर एक ही है जो बॉटम साइड में आपको देखने मिलता है, इंडोर्स काफी लाउड है, आउटडोर कंडीशंस में लाउड स्पीकर पे लगा के अगर आपको कॉल वगैरह करना है तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, एंड अगर आपको वीडियो वगैरह देखना है लाउड स्पीकर पे तो ट्रैफिक कंडीशंस में आपको थोड़ा सा कान के पास लाना पड़ेगा। वैसे तो मैंने नेटफ्लिक्स पे 3 घंटा 16 मिनट तक वीडियोस देखे हुए हैं, एंड उतने टाइम में सिर्फ 11% का बैटरी ड्रेन हुआ है, तो बैटरी ड्रेन के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, वीवो V30 स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर के साथ आता है, 30,000 प्राइस कंसिडर करें तो इसके हिसाब से इट्स अ गुड प्रोसेसर, बट कहीं ना कहीं मुझे गेमिंग परफॉर्मेंस में एक कमी लगी। BGMI स्मूथ प्लस अल्ट्रा चलता है, इट्स अ गुड 40 FPS प्लेबैक, फ्रेम ड्रॉप्स एज सच नहीं होते बट कहीं कहीं नोटिस होते हैं, बट ओवरऑल आपकी कैजुअल गेमिंग एक्सपीरियंस में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। हाईएस्ट सेटिंग HD+ हाई है जो 30,000 के हिसाब से डिसअपॉइंटिंग है, तो डेफिनेटली ये गेमिंग के लिए तो नहीं बनाया, बट स्टिल मैंने इसमें ऑलमोस्ट 5 घंटे गेमिंग की है शैडो फाइट में, एंड कुछ 1.5 घंटे के अराउंड मैंने BGMI भी खेला है, तो परफॉर्मेंस ओके ही था। बाकी डे टू डे एप्स काफी अच्छे चलते हैं, ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग में कोई दिक्कत नहीं है, एनिमेशन आर स्मूथ, इवन UI नेविगेशन में कोई दिक्कत नहीं है, एंड फोन काफी रिस्पॉन्सिव फील होता है, डे टू डे यूजेज के लिए सही है। बट एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, मेमोरी मैनेजमेंट इस फोन का काफी अच्छा है, मतलब लिटरली मैंने शैडो फाइट 4 और BGMI साथ में गेम खेला है, एंड दोनों भी गेम्स मेमोरी में थे। वेल इस चीज को मैं एकदम इन डेप्थ और टेस्ट करूंगा, सो दैट एकदम फाइनल जो अपना लंबा 1 month वाला रिव्यू होता है उसमें आपको थोड़ा और बेटर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिल पाए इस फोन की। बाकी इस फोन में बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, एंड एक फीचर्स से डेडिकेटेड वीडियो आएगा जरूर, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैंने 1.5 घंटा BGMI खेला हुआ है, ऑलमोस्ट 5-5.5 घंटा शैडो फाइट 4 खेला हुआ है, उसके बाद में ऑलमोस्ट 3 घंटा 16 मिनट तक मैंने इसमें नेटफ्लिक्स पे शोज देखे हुए, और कहीं ना कहीं ये सब का यूजेज टोटल मिला के यू कैन से अराउंड 50% होता है, तो इतना सब करने के बाद भी बैटरी अच्छी खासी बचती है, तो डेफिनेटली आपको पूरे दिन भर का बैटरी बैकअप मिलेगा इसके 5500 mAh बैटरी के साथ, एंड उसी के साथ में 44 वॉट का चार्जर भी आपको मिलता है इनबॉक्स। अभी चार्जिंग टेस्ट में 2% से 80% तक 50 मिनट में ये चार्ज कर दिया था, तो आई एम एस्टिमेटिंग पूरा फुल चार्ज करने के लिए 0 से 100 करने के लिए 1 घंटा 10 मिनट के अराउंड तो लगना चाहिए। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा, एज एक्सपेक्टेड फोटोज काफी डिटेल्ड होते हैं।
होते हैं, जूम करने के बाद भी आपको ईच एंड एवरी चीज अच्छे से दिखाई देती है। सेल्फीज में स्किन टोन्स मुझे काफी अच्छे लगे, वेरी नॉर्मल एंड वेरी बैलेंस्ड। डायनामिक रेंज फोटोज में काफी अच्छी होती है, अगर आप स्काई का फोटो क्लिक करोगे या फिर सनसेट वगैरह का फोटो क्लिक करोगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा सेपरेशन देखने मिलेगा, शेडोज में डिटेल्स आपको मिलती है। पोर्ट्रेट मोड में हाईलाइट करना चाहूंगा, बहुत अच्छे फोटोज क्लिक करता है, ऊपर से जो एक अलग से DSLR वाला वाइब देता है ये फोटो। वैसे तो वीवो के फोन्स में कैमरास काफी ऑलरेडी बेटर होते हैं, तो कैमरा डिपार्टमेंट डिसअपॉइंट नहीं कर रहा है इस फोन का। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी, यहाँ पर 5G स्पीड टेस्ट किए हुए हैं, 5G स्पीड अच्छे मिलता है, कॉलिंग करने पर 5G ड्रॉप नहीं होता है, अच्छे से मेंटेन कर लेता है 5G। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप इसमें कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो बिना किसी को बताए, क्योंकि इसमें गूगल डायलर नहीं मिलता, वीवो का अपना नेटिव डायलर मिलता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग पॉसिबल है। टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर, यहाँ पर आपको फ्रंट टच ओएस मिलता है ऑन टॉप ऑफ एंड्रॉइड 14, इसमें आप कस्टम लॉक स्क्रीन लगा सकते हो, फोटोज को हाइड कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो डेडिकेटेड फीचर्स वीडियो में कवर होगा। फाइनली बात करते हैं कि आपको ये फोन खरीदना चाहिए या नहीं। वेल वीवो V30 कैमरा डिस्प्ले एंड बैटरी लाइफ के लिए मैं रेकमेंड करूंगा, परफॉर्मेंस के लिए अगर आपको एकदम हैवी गेमिंग करनी है तो नॉट सो मच, डे टू डे एप्स सोशल मीडिया ये सब अच्छे से हैंडल कर लेता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको एक्जैक्टली क्या जानना है इस फोन के बारे में, एंड आई विल कवर दैट इन द नेक्स्ट रिव्यू वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसमें साइनिंग ऑफ, यू वॉचिंग Element Tech, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।